हाय गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले एक ऐसी प्रॉब्लम को जो हाइड्रोपोनिक गर्ल्स को काफ़ी बार फेस करनी पड़ती है, वो है पीएच फ्लक्चुएशन। आप अपना न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार करते हैं, उसमें पीएच एडजस्ट करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग आके चेक करते हैं तो पीएच या तो 2 पॉइंट ऊपर होता है या फिर 2 पॉइंट नीचे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएच फ्लक्चुएट करता ही क्यों है। जब भी आप अपने प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से फीड करते हैं तो प्लांट्स के रूट जोन में कुछ ऐसी सिक्रीशंस होती है जो या तो एसिडिक या फिर एल्कलाइन होती है नेचर में, और इसी की वजह से ही जो पीएच है वो फ्लक्चुएट करता है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि कितना पीएच फ्लक्चुएशन नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है। अगर आपने अपना पीएच सेट किया है 5.5 पे और आप हर 2 दिन बाद पीएच चेक करते हैं तो वो 5.6, 5.7, 5.8 यानी कि बहुत ही छोटे इंक्रीमेंट से बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन अगर आप अपना पीएच एडजस्ट करते हैं और वो 5.5 से या तो 4 या फिर 6.5 या 7.5 हो जाता है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, गलत है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पीएच को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। हाइड्रोपोनिक्स में ये हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप आरओ वाटर या फिर रेन वाटर ही यूज़ करें क्योंकि उसका टीडीएस लो होता है। लेकिन अगर आप टैप वाटर यूज़ करते हैं जिसका टीडीएस बहुत हाई होता है और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे बफरिंग एजेंट्स होते हैं तो आपको पीएच स्टेबलाइज करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं ग्रोइंग मीडिया की। हाइड्रोपोनिक्स में बहुत तरह के ग्रोइंग मीडिया यूज़ होते हैं जैसे कि कोकोपीट, रॉक वूल, क्ले बॉल्स, परलाइट, सैंड एक्सेट्रा। और ये जो ग्रोइंग मीडिया हम यूज़ करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में, ये भी रेकमेंड किया जाता है कि वो इनर्ट हो नेचर में, यानी कि वो पीएच को इन्फ्लुएंस ना कर सके। लेकिन अगर आप कोई ऐसा ग्रोइंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं जो एसिडिक या एल्कलाइन है नेचर में तो भी आपको पीएच स्टेबलाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। मेरे साथ ये पर्सनली हो चुका है। एक बार मैंने जो डच बकेट सिस्टम में अपने जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं बजरी, वो यूज़ करी थी, तो जब भी मेरा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन उस ग्रोइंग मीडिया के टच में आ रहा था तो बार बार एल्कलाइन हो रहा था, यानी कि उसका पीएच ऊपर जा रहा था। तो जब मैंने सभी फैक्टर्स एक एक करके रूल आउट किए और एंड में ग्रोइंग मीडिया चेंज किया तो मेरा पीएच स्टेबलाइज हो गया। इसलिए आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी ग्रोइंग मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो इनर्ट हो। ग्रोइंग मीडिया के बाद अब हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। गाइस, आप ये ध्यान रखिए कि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर रहे हैं अपने हाइड्रोपोनिक सिस्टम में वो अच्छी क्वालिटी की हो। अगर आप ऐसे कोई न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं कि जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं या फिर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि कंपैटिबल नहीं है, तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके टैंक या रिजर्वॉयर में प्रेसिपिटेट हो सकते हैं या कोई रिएक्शन कर सकते हैं जिसकी वजह से भी आपका पीएच स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी न्यूट्रिएंट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हों। इसके बाद नंबर आता है पीएच अप और पीएच डाउन सॉल्यूशन का। नॉर्मली हम पीएच अप करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पीएच डाउन करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी का पीएच डाउन सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं या पीएच अप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो भी आप ये श्योर कर लीजिए कि वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का है। ये भी पर्सनली एक बार मेरे साथ हो चुका है। मैं एक कंपनी का पीएच डाउन सॉल्यूशन यूज़ कर रहा था अपने डीप वाटर कल्चर सिस्टम में, लेकिन पीएच स्टेबलाइज करने के बावजूद भी पीएच 24 घंटे के अंदर बार बार ऊपर आ जाता था। तो जब मैंने पीएच डाउन सॉल्यूशन चेंज किया, उसकी जगह फॉस्फोरिक एसिड यूज़ किया, तो जो मेरा पीएच था वो वहीं स्टेबलाइज हो गया। इसलिए आप लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि आप जो भी पीएच अप या पीएच डाउन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो। फ्रेंड्स, 5वें नंबर पर हम डिस्कस करेंगे जो आपका हाइड्रोपोनिक सॉल्यूशन का टैंक या रिजर्वॉयर है उसका साइज़। अगर आप एक ऐसा हाइड्रोपोनिक सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स हैं लेकिन आपका हाइड्रोपोनिक रिजर्वॉयर या टैंक बहुत छोटा है तो भी आपका पीएच फ्लक्चुएट करेगा। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका जो हाइड्रोपोनिक न्यूट्रिएंट टैंक है वो नंबर ऑफ प्लांट्स के हिसाब से ही उसकी कैपेसिटी हो, उसका साइज़ हो, नहीं तो आपको पीएच स्टेबलाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। एंड में हम बात करेंगे पैथोजन अटैक की। अगर आप अपना पीएच मल्टीपल टाइम्स एडजस्ट कर चुके हैं और आपने एक एक करके जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किया उनको भी रूल आउट कर दिया है तब भी आपका पीएच स्टेबलाइज नहीं हो रहा, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है जैसे कि पिथियम, उनका अटैक है जिसकी वजह से पीएच स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है। इस केस में अगर आपके जो सॉल्यूशन में पिथियम जैसे कुछ अगर बैड ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी वजह से पीएच आपका लगातार नीचे जाएगा एडजस्ट करने के बावजूद। और साथ में आप ये भी श्योर कीजिए कि आपके जो एनएफटी अगर आप कर रहे हैं, एनएफटी की जो चैनल्स हैं या आपका हाइड्रोपोनिक टैंक है उसमें कहीं कोई एल्गी बिल्डअप तो नहीं है, क्योंकि अगर आपके टैंक में या पाइप्स में कोई एल्गी बिल्डअप है उसकी वजह से भी जो आपका पीएच स्टेबलाइज नहीं होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो गाइस, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो पीएच है उसके साथ साथ टीडीएस की मेजरमेंट्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली हम बात करें कि अगर आपका जो टीडीएस है वो नीचे जा रहा है और आपका पीएच स्मॉल इंक्रीमेंट्स में ऊपर जा रहा है तो ये बहुत अच्छा साइन है कि प्लांट्स फीड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका जो टीडीएस है वो ऊपर जा रहा है और आपका पीएच नीचे आ रहा है
तो इसका मतलब ये है कि आप जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन अपने प्लांट्स को दे रहे हैं वो काफ़ी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, काफ़ी हाई स्ट्रेंथ में है। इस केस में आपको जो आपका जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ कम करनी होगी। तो गाइस ये कुछ फैक्टर्स थे जो हमारे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पीएच को इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।